हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। इन टुडेस क्लास वी विल प्रोसीड विद अवर एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ क्लास 11। और एग्जाम्पलर सीरीज की शुरुआत हम करेंगे अपने चैप्टर 1 से। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट। तो आज हम क्लास 11 की एग्जाम्पलर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हम चैप्टर 1 से करेंगे, राइट? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो भी एग्जाम्पलर सीरीज के जो भी चैप्टर्स हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो आज हम शुरू करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, ठीक है, इन दिस पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको थ्री सेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर 2x + 11 इक्वल टू 15। देखो ये जो आपको गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। वी ऑल आर फैमिलियर भी, जब हमने एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट करवाया था तो मैंने कहा था जो सेट की प्रेजेंटेशन होती है वो टू वेज में होती है। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। अब आपको क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपको ये जो सेट है आपका, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जहां तक ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी या जो भी गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, नहीं एक्स की वैल्यू किस किस एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स यहाँ पर किस किस वैल्यू के इक्वल होगा, वो आपको लिस्ट करना होता है। दैट इज द रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो, जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म को हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको 2x + 11 इक्वल टू 15 गिवन है। 2x + 11 इक्वल टू 15 विच इंप्लाइज 2x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा आपका 15 - 11, ये हो जाएगा आपका 15 - 11, और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x विल बी इक्वल टू 4 विच इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 2, विच इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 2। इट मींस व्हाट, इट मींस जो आपका सेट ए है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये जो एलिमेंट है वो आप यहां पर लिस्ट करो। अब किसी भी सेट में सिंगल एलिमेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंगल टन सेट भी कहते हैं, सिंगल टन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है इफ एनी सेट कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट, इट इज कॉल्ड अ सिंगल टन सेट। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा गया है, आपको सेट बी गिवन है इज इक्वल टू एक्स। देखो इसको भी सच दैट कहते हैं और ये इसका मीनिंग भी सच दैट ही होता है, बोथ आर सेम। एक्स सच दैट, ये भी सच दैट का सिंबल ही होता है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। रियल नंबर क्यों, बिकॉज आप देख सकते हो यहां पर जो आर है, यहां भी आप देख सकते हो ये बोल्ड लेटर में गिवन है, तो बेसिकली यहां पर जो एक्स है वो एक रियल नंबर है। अब देखो यहां पर जनरली स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, आप क्या करते हो कि इसको आप ऐसे लिखते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स और स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देते हो और आपका आंसर आ जाएगा 1, और अकॉर्डिंग टू यू फिर बी की वैल्यू क्या होगी, बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और ये भी सिंगलटन सेट होगा। पर ये जो मेथड है आपका वो गलत है। आइडियली जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो आपको जो वैल्यू गिवन है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको कैंसिल नहीं किया जाता है, इसको आप यहां लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट ईदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट सेट बी हैव टू एलिमेंट दैट इज 0 एंड 1, सेट बी हैव टू एलिमेंट दैट इज 0 एंड 1। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक है। लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, देखो थर्ड पार्ट इज सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर पी। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो प्राइम नंबर होता क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 3 एक प्राइम नंबर है। अब 3 के फैक्टर क्या है, एक 1 और एक खुद 3। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 के फैक्टर क्या है, 1 और 5 खुद।
ऐसे आप सेवन देखो, अगर मैं सेवन की बात करता हूँ, सेवन भी एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर है 1 और 7। इसका मतलब हम ये कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 और वो खुद। ऐसे 5 के केस में फैक्टर क्या है, 1 और 5। 7 के केस में क्या है, 1 और 7। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है देखो, जो पार्ट थर्ड है आपका, इसमें आपको ये कहा जा रहा है एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर पी। एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर पी। अब पी एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक होगा। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट ये जो सेट सी है आपका, पर बेसिकली इसका मतलब यही हुआ ना कि जो एक्स है, जो आपका एक्स एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 और p। तो ये जो आपका सेट सी है, जो आपका सेट सी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 और p, 1 और p। तो यहाँ आके हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अगेन वी हैव टू राइट दी सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो देखो फर्स्ट सेट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, देयर इज अ सेट डी व्हिच इज इक्वल टू टी सच दैट टी क्यूब इज इक्वल टू टी वेयर टी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, वेयर टी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी क्यूब इज इक्वल टू टी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी क्यूब इज इक्वल टू टी। अगेन भी जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आपको इसको कैंसिल नहीं करना है, आपको इसको कैंसिल नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करना है आपको, ये जो लेफ्ट राइट साइड वाला टी है आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब माइनस टी इक्वल टू जीरो। नाउ इफ आई टेक टी कॉमन, अगर मैं टी कॉमन लेता हूं, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। एंड इट कैन बी रिटन एज टी विद इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्लियर है सबको, ठीक है। देन नाउ इट कैन बी रिटन एज इट इम्प्लाइज टी, देखो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0, राइट। इट मीन्स इधर टी विल बी इक्वल टू 0, अगर आप कहते हो टी माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर आप कहते हो टी प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देखो मैं इसको एक ऑर्डर में लिख देता हूँ, टी इक्वल टू 0, राइट। भाई तीन नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये नंबर 0 हो जाए, या आपका ये वाला नंबर 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए। तो आपने कहा व्हेन टी इज इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू 0, जब व्हेन टी माइनस 1 इक्वल टू 0, व्हेन टी माइनस 1 इक्वल टू 0 देन टी विल बी इक्वल टू 1, एंड व्हेन टी प्लस 1 इक्वल टू 0, व्हेन टी प्लस 1 इक्वल टू 0 देन टी विल बी इक्वल टू माइनस 1, देन टी विल बी इक्वल टू माइनस 1। तो इट मीन्स वी विल हैव थ्री वैल्यूज ऑफ टी, 0, 1 एंड -1। तो कैन आई से दैट इट मीन सेट डी हैव एलिमेंट 0 विल हैव सेट डी विल हैव एलिमेंट 0, 1 एंड -1। तो सेट डी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 0, 1 और -1। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पार्ट टू ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव अ सेट ई हेयर विच इज इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू माइनस टू अपॉन डब्ल्यू प्लस 3 इक्वल टू 3, वेयर अगेन डब्ल्यू बिलोंग्स टू द रियल नंबर। भाई आपको ये कहा जा रहा है कि ई जो है इसमें एक सेट, इसमें एक एलिमेंट डब्ल्यू है, और कंडीशन क्या, सच दैट डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू किस तरह का रिलेशन बना रहा है कि डब्ल्यू माइनस टू अपॉन डब्ल्यू माइनस प्लस 3 जो आपका 3 के इक्वल है, और डब्ल्यू जो है एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। तो सेट ई में कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द क्वेश्चन डब्ल्यू माइनस टू अपॉन डब्ल्यू प्लस 3 इक्वल टू 3, डब्ल्यू माइनस टू अपॉन डब्ल्यू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 3। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 12 प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 3, वट वी विल हैव, वट वी विल हैव, कैन आई से दैट डब्ल्यू माइनस टू
इज इक्वल टू थ्री टाइम्स डब्ल्यू प्लस थ्री, यस और नो? इज इक्वल टू थ्री टाइम्स डब्ल्यू प्लस थ्री एंड देन डब्ल्यू माइनस टू इज इक्वल टू थ्री डब्ल्यू प्लस नाइन, इज इक्वल टू थ्री डब्ल्यू प्लस नाइन, देन देखो व्हेन वी सॉल्व इट, ये देखो ये थ्री डब्ल्यू है आपका, दिस इज डब्ल्यू, अगर मैं थ्री डब्ल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू माइनस थ्री डब्ल्यू, और माइनस टू को आप राइट हैंड साइड पे लेके जाते तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू नाइन प्लस टू, इक्वल टू नाइन प्लस टू, सो वी विल हैव माइनस टू डब्ल्यू इज इक्वल टू इलेवन, वी विल हैव माइनस टू डब्ल्यू इज इक्वल टू इलेवन विच इम्प्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इलेवन बाय टू, राइट? सो कैन आई से दैट अब डब्ल्यू जो है आपका एलिमेंट सेट ई में है, तो सेट ई में अगर डब्ल्यू की वैल्यू माइनस इलेवन बाय टू है, इसका मतलब सेट ई में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है माइनस इलेवन बाय टू, माइनस इलेवन बाय टू, क्लियर है सेकेंड पार्ट? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज सेट एफ इज इक्वल टू x such that x raised to power 4 minus 5x square plus 6 equal to 0 where x belongs to the real. तो देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो. आपकी इक्वेशन क्या है, x raised to power 4 minus 5x square plus 6 equal to 0, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां आपको क्या करना होगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. तो कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज x raised to power 4, देखो 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, राइट? नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म, फ्रॉम दीज टू टर्म वी कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, बट वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एंड फ्रॉम दीज टू टर्म, फ्रॉम दीज टू टर्म वी कैन टेक माइनस थ्री कॉमन, वी कैन टेक माइनस थ्री कॉमन, बट वी विल हैव, we will have x square minus 2 equal to 0, x square minus 2 equal to 0, is it clear? Now what we will have x square minus 2 which is the common factor and x square minus 3 equal to 0, yahan tak clear hai sari cheeze, theek hai? Now we can say that either x square minus 2 equal to 0, राइट, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट? इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एंड विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, प्लस माइनस, एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट? इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री and which implies x is equal to plus minus root 3, plus minus root 3. So can I say that, देखो तो x की जो values आ रही है, तो x की जो हमारे पास values आ रही है वो क्या क्या आ रही है? x की values हमारे पास आ रही है plus root 2, minus root 2, plus root 3, minus root 3. इसका मतलब जो set f है इसमें जो element होंगे वो क्या क्या होंगे, root 2, minus root 2, root 3, minus root 3. Is it clear? ठीक है, तो जब आप रोस्टर फॉर्म में सेट एफ को लिखोगे तो वी कैन से दैट विच विच इंप्लाइज सेट एफ इज इक्वल टू रूट टू माइनस रूट टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट एफ, इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now our next question is question number 3. If y is equal to x such that x is a positive factor of the number 2 raised to power p minus 1 within bracket 2 raised to power p minus 1, where 2 raised to power p minus 1 is a prime number, to write y in the roster form. आपको y को roster form में लिखो. Okay. देखो जहां तक इस नंबर की बात है इसके फैक्टर तो बहुत ही इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज आपको कहा जा रहा है ये जो नंबर है आपका वो एक प्राइम नंबर है.
तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 2^p-1 ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक होगा 1 और एक ये खुद हो, एक इसका फैक्टर ये खुद हो, तो इस नंबर की तो फैक्टर है। अब बात करते हैं इस नंबर, व्हाट अबाउट दिस नंबर 2^p-1। तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2^2 विच इज इक्वल टू 4। अब 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे अगर इसी फॉर्म में लिखे, अगर इसी फॉर्म में मैं आपसे पूछूं कि 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे 2^0, 2^1 और 2^2। 2^0 का मतलब 1 होता है, 1 4 का फैक्टर होता है, 2^1 हो गया 2, 2 भी 4 का फैक्टर होता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2^2 और 4 के टेबल में 4 आता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 2^3 इसके फैक्टर क्या होंगे विच इज इक्वल टू इट, इसी फॉर्म में आपको बताना कि इस फॉर्म में इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे 2^0, 2^1, 2^2, 2^3। 2^0 क्या हो गया 1, 1 जो होता है 8 का फैक्टर होता है, 2^1 क्या हो गया 2, 2 भी 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2^2 4, 4 के टेबल में 8 आता है, 2^3 8 के टेबल में 8 आता है। का मतलब ये हुआ कि जो जैसे 2^2 तो 2^0 टू 2^2, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ 2^5 की, 2^5 विच इज इक्वल टू 32। अब इसी फॉर्म में अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 32 के फैक्टर बताओ, तो आप क्या कहोगे 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 और 2^5। अब देख सकते हैं 2^0 क्या होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 32। ये सभी के सभी जो है 32 के फैक्टर। तो यहां तक मुद्दे की बात ये है, जो मेन चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब अब मैं आप इसके फैक्टर इजीली बता सकते हो। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2^p-1 के फैक्टर बताओ, 2^p-1 के फैक्टर बताओ, तो आप क्या कहोगे, मैंने आपसे पूछा 2^p-1 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे 2^0, 2^1, 2^2, सो ऑन 2^p-1। भाई जितनी पावर है वहां तक के फैक्टर हो, वहां तक के इसके फैक्टर हो, ये बात समझ में आ गई। तो आपके पास 2^p-1 के फैक्टर भी आ गए, आपके पास 2^p-1 जो कि एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर भी आ, इसके फैक्टर क्या है 1 और 2^p-1। अब देखो जब हम सेट की वैल्यू लिखी जाती है, जब सेट की वैल्यू लिखी जाती है उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, जैसे 2^0, 1, ये भी यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, 1 को हम एक ही बार लिखे, तो कहना ही सही था सेट वाई इज इक्वल टू, सेट वाई में जो आपकी वैल्यू होगी एक्स की वो क्या क्या होगी, एक तो होगा 1, एक होगा 2^1, 2^2, अप टू सो ऑन 2^p-1 और होगा 2^p-1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, 35 बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। आपको ये कहा जा रहा है ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट एक्स है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके 4 फैक्टर होंगे, 4 पॉजिटिव फैक्टर होंगे, और आपको कहा जा रहा है कि 35 जो है वो इस एलिमेंट, वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 35 इस सेट को अगर बिलोंग करेगा तो 35 के 4 फैक्टर होने चाहिए, अगर 35 इस सेट को बिलोंग करेगा तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो 35 के 4 फैक्टर होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या 35 के 4 फैक्टर होते हैं। तो देखो 35 किसके टेबल में आता है, 35 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 35 के टेबल में आता है। तो 35 के एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स है, इसका मतलब 35 इसको बिलोंग करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू है। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है, क्यों है ट्रू, बिकॉज 35 हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। रीजन क्या होगा, बिकॉज 35 हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, बात करते हैं पार्ट 2 की। 128 बिलोंग्स टू दिस सेट, अब इस सेट में क्या है एक एलिमेंट y है, सच दैट सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। मींस अगर 128 इस सेट पे बिलोंग करेगा तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी क्या है
कि 128 के जो भी फैक्टर्स होंगे, 128 के जो भी फैक्टर्स होंगे, जब आप उन सभी फैक्टर्स का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू 128 के ट्वाइस के इक्वल आएगी। ट्वाइस का मतलब 256 के इक्वल, बिकॉज 128 का डबल होता है 256। समझ में आ रही है बात कि 128 के जो भी फैक्टर्स होंगे, 128 के जो भी फैक्टर्स होंगे, 128 के फैक्टर्स क्या होंगे पहले आप ये देखो। देखो 128 जो होता है आपका, 128 होता है 2 रेस टू पावर 7 के इक्वल। 128 होता है 2 रेस टू पावर 7 के इक्वल, और 2 रेस टू पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 2 रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2, 3 पावर 4, पावर 5, पावर 6 और पावर 7। अब 2 रेस टू पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। 2 रेस टू पावर 1 हो गया 2, 2 रेस टू पावर 2 हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 16, देन 32, देन 64 एंड देन 128, 128। ठीक है, अब देखो जब आप इन सभी नंबर को प्लस करोगे, अगर हम इन सभी नंबर को प्लस करते हैं, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, तो आपका जो आंसर आएगा, देखो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 और 6 20, 28, 32, 34 और 1 35, 5 और 3 आ गया कैरी। 3 प्लस 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, और ये आपका आ गया 14, तो 2 प्लस 1 3। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये 16 मैंने थोड़ा वैसे लिख दिया है, 16 जो आएगा वो 3 के नीचे आएगा, तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, तो ये आपका आ गया 5, 1 आपका कैरी हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो जितने भी फैक्टर्स हैं 128 के, उन सबका जब हम सम निकालते हैं, जब आप इन सबका सम करोगे, इट इज इक्वल टू 255, विच इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 128, बिकॉज 128 का ट्वाइस क्या होता है 256 होता है। तो आपको कहा जा रहा है इक्वल होगा, आपको ये कहा जा रहा है कि ये इक्वल होगा, तो इसका मतलब जो आपका सेकंड पार्ट है, जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपका फॉल्स होगा, जो आपका सेकंड पार्ट है ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 128 इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 128। इस तरह से आप रीजन लिखो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको, आपको कहा जा रहा है ये जो एलिमेंट 3 है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, और सेट क्या है, x such that x raised to power 4 minus 5x cube plus 2x square minus 112x plus 6 equal to 0। अब ये इसको बिलोंग करेगा नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा, x की जगह आप 3 पुट कर दो, x की जगह आप क्या पुट कर दो 3, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो 3 इसको बिलोंग कर रहा है, और 0 के इक्वल नहीं आया तो 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट right? तो हम क्या करेंगे पार्ट थर्ड में, पुट एक्स इक्वल टू 3, पुट एक्स इक्वल टू 3, तो जब आप एक्स की जगह 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 रेस टू पावर 4 माइनस 5 3 रेस टू पावर 3 प्लस 2 3 रेस टू पावर 2 माइनस 112 इंटू 3 और प्लस में क्या आ जाएगा 6 और इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये 0 के इक्वल है नहीं है ये तो हमें चेक करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 रेस टू पावर 4, 3 रेस टू पावर 4 होता है आपका 81, 3 रेस टू पावर 3 होता है 27, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 27 प्लस 2, 3 रेस टू पावर 2 हो जाएगा 9, 112 इंटू 3 ये हो जाएगा 336 और प्लस में क्या हो जाएगा 6, ये क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 81, 27 इंटू 5 दैट इज 135 प्लस 9 टू 18 माइनस 336 और प्लस हो जाएगा आपका 6, राइट। अब पॉजिटिव वैल्यू 336 देखो, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या, 81 प्लस 18 प्लस 6, 81 प्लस 18 प्लस 6, तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 105। तो पॉजिटिव वैल्यू तो आ रही है 105, और नेगेटिव वैल्यूज क्या है आपकी, 336 और 135, 336 और 135। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 11, ये हो गया 7 और ये हो गया 4 471, तो 105 माइनस 471 तो ये आएगा आपका माइनस 366 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो एलिमेंट थ्री है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। जो एलिमेंट थ्री है तो थर्ड पार्ट में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आप कह सकते हो ट्रू है, बिकॉज जो एलिमेंट थ्री है आपका, जो ये एलिमेंट थ्री है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो पार्ट थर्ड है आपका वो क्या होगा, आपका फॉल्स। जो पार्ट थर्ड है वो आपका क्या होगा, फॉल्स। पार्ट फोर जो है आपका पार्ट टू की तरह ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो पार्ट फोर जो है आपका पार्ट टू की तरह ही है। क्या कहा गया आपको कि 496 एलिमेंट जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ये कहा गया। पर वाई है क्या यहाँ पर, वाई क्या है, सम ऑफ जो भी एलिमेंट होगा इस सेट में उसमें प्रॉपर्टी क्या है, वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स, मीन्स उस एलिमेंट के जो भी फैक्टर्स होंगे उनका जब आप सम करोगे तो वो उस एलिमेंट के ट्वाइस के इक्वल होगा, जैसे कि आपने पार्ट टू में देखा। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, 496 के फैक्टर हमें फाइंड करने होंगे। अगर मैं 496 की बात करता हूँ तो देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। अब देखो यहाँ इसका मतलब जो 496 है इसके फैक्टर क्या है, 2 रेस टू पावर 4 इंटू 31, और 2 रेस टू पावर 4 इसको अब लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे 2 रेस टू पावर 0, पहले तो मैं इसकी बात करूं, ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3, 2 रेस टू पावर 4, फिर आ जाएगा 31, एंड देन 2 रेस टू पावर 1 इंटू 31, देन 2 रेस टू पावर 1 दैट इज 2 इंटू 31, 2 रेस टू पावर 2 इंटू 31, 2 रेस टू पावर 3 इंटू 31, इंटू 31, एंड 2 रेस टू पावर 4 इंटू 31, ये सारे आपके 2 के फैक्टर हो। तो देखो 2 रेस टू पावर 0 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1, 2 रेस टू पावर 1 हो गया 2, 2 रेस टू पावर 2 हो गया 4, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 31, यहां तक क्लियर है ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू ये क्या हो जाएगा आपका 62, और 4 इंटू 31 हो जाएगा आपका 124, 8 इंटू 31 हो जाएगा आपका 248, और 16 इंटू 31 अगर आप करोगे तो ये आपका 496 ही आएगा, 496 ही आएगा। अब देखो हमें चेक करना है कि ट्वाइस है कि नहीं है, तो देखो एक तो 496 ऑलरेडी है, इन सभी को प्लस करके देख लेते हैं, अगर ये भी 496 आ गया तो ट्वाइस है। तो देखो जब आप इसको प्लस करोगे, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 प्लस 1 7, 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 16, 15 और 16, 6 प्लस 5 11, और 31, 31 प्लस 31, ये हो जाएगा 62, 62 में 62 ऐड कर दो ये हो जाएगा 124, 124 में 124 ऐड कर दो ये आपका हो जाएगा 248, 248 में 248 ऐड कर दो ये आपका आ जाएगा 496। इट मीन ये सभी नंबर को ऐड करके 496 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 496 का ट्वाइस आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो 496 है वो 4 सेट जो आपको गिवन है, 496 जो है वो इसको बिलोंग करेगा, 496 जो है वो इसको बिलोंग करेगा, बिकॉज ये सेट की कॉमन प्रॉपर्टी जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनका जो सम है वो इसके ट्वाइस के इक्वल है। अब यहां का आगे बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो आप कहोगे फॉल्स है, वाई, बिकॉज सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई की जगह आपको लिखना 496 इज ट्वाइस ऑफ 496, इस तरह से आप रीजन दो। क्लियर है क्वेश्चन 4 ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है आपको, 3 सेट्स गिवन है, सेट एल इज द वैल्यू ऑफ सेट एल, सेट एम एंड सेट एल। अब आपको कहा जा रहा है आपको वेरीफाई करना है एल माइनस एम यूनियन एन इज इक्वल टू एल माइनस एम इंटरसेक्शन एल माइनस एन, ये इसके इक्वल हो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो वैल्यूज है इनको हम फाइंड करते हैं। अगर मैं एम यूनियन एन की बात करता हूँ, एम यूनियन एन, तो यूनियन का मतलब जितने भी एलिमेंट्स एम और एन में वो सारे आपको लिखने होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो एम यूनियन एन में क्या होगा, देखो थ्री थ्री जो है कॉमन है, थ्री कॉमन है तो थ्री को लिखते हैं, थ्री आ जाएगा। फिर
फोर फोर आ जाएगा आपका, देन फाइव कॉमन है तो दोनों से ही आ जाएगा फाइव, देन सिक्स और वन, सिक्स और वन तो आ गया सिक्स और वन, ये आपकी वैल्यू होगी एम यूनियन एन, राइट। इसी तरह से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, एल माइनस एम यूनियन एल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, एल माइनस एम यूनियन एल। तो जो आपका सेट एल है उसकी वैल्यू है वन टू थ्री, तो आपने लिखा वन टू थ्री फोर, और जो आपका एम यूनियन एन है वो अभी आपने फाइंड किया है थ्री फोर वन थ्री फोर फाइव सिक्स, या थ्री फोर फाइव सिक्स वन, चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स और वन, थ्री फोर फाइव सिक्स और वन। अब एल माइनस एम का मतलब क्या है, एल माइनस एम का मतलब ये है कि जो एम यूनियन एन, जो एम यूनियन एन के एलिमेंट्स एल में हो वो आपको एलिमिनेट कर ले, लाइक थ्री, तो देखो थ्री आपका यहां पर भी है तो थ्री को हटा दो, एल में से जो भी एलिमेंट एम यूनियन, इसका मतलब है कि एल सेट में जो भी एलिमेंट एम यूनियन एन के वो आप माइनस करो, तो जो भी एलिमेंट आपको एम यूनियन एन का एल सेट में दिखाई दे रहा है वो आप हटा दो, जैसे यहाँ पे फोर दिखाई दे रहा है फोर हटा, या वन दिखाई दे रहा है वन को भी हटा दो, तो वी आर लेफ्ट विद टू। इसका मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ गई टू, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू क्या आ गई टू। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास एक सेट आ रहा है जिसमें एलिमेंट टू है, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या, एल माइनस एम, तो पहले एल माइनस एम की वैल्यू निकालो, नाउ एल माइनस एम, तो मैंने आपको क्या कहा एल माइनस एम का मतलब क्या होगा कि एम सेट में जो एलिमेंट, एम सेट के जो एलिमेंट एल में वो हटा, तो यहां पर देखो थ्री है जो एल में है तो इसको हटा दो, यहां पर फोर दिखाई दे रहा है फोर को भी एडिट कर दो, यहां पर फाइव है फाइव यहाँ नहीं है सिक्स नहीं है, तो यहां पर वैल्यू एल माइनस एम की वैल्यू आ रही है वन और टू, वन और टू, तो आपने लिखा एल माइनस एम इज इक्वल टू वन कॉमा टू। अब हम बात करते हैं एल माइनस एम की, एल माइनस एम, एल माइनस एम, तो जो एलिमेंट एन के एल में उनको एडिट करो, जैसे कि एल माइनस एन, तो यहां पर देखो वन है तो वन को हटा दो, यहां पर थ्री है थ्री का थ्री एलिमेंट जो आपका एल सेट में भी है इसको एडिट कर दो, यहां पर फाइव है यहाँ फाइव है तो टू और फोर आ गया, क्या आ गया टू और फोर, तो ये आ गया आपका टू और फोर। अब जो आपकी राइट हैंड साइड है, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या है, एल माइनस एम इंटरसेक्शन एल माइनस एम, तो देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन एलिमेंट क्या है टू है, कॉमन एलिमेंट क्या है टू, तो इट इज इक्वल टू टू, इट इज इक्वल टू टू, तो कैन आई से दैट, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी टू राइट हैंड साइड भी टू, इट इंप्लाइज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन शो दैट एंड दीज आर द थ्री पार्ट, वन बाय वन हमें हम इन सभी पार्ट्स को प्रूव करें, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा जा रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये आपको शो करना है, ये आपको शो करना है पार्ट वन, पार्ट वन इज वी हैव टू शो दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। नाउ बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है आपको कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, देन शो दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी में जो भी होगा एक एक्स एलिमेंट वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट को,
और ये जो एलिमेंट एक्स है वो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी, और क्यों? बिकॉज ये यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है? फोर। राइट, नाउ लेट अस अज्यूम दैट देयर इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्स व्हिच बिलोंग्स टू ए, व्हिच बिलोंग्स टू ए। राइट, अब एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देयर फोर वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देयर फोर वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, एंड वी हैव प्रूव्ड अवर फर्स्ट पार्ट। राइट, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। पार्ट टू इज वी हैव टू शो दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है? ये जो साइन आपको दिखाई दे रहे, देखो दोनों साइड एरो है, दोनों साइड नॉर्मली ये होता है इम्प्लाइज, और अगर दोनों साइड अगर इस तरह से एरो लगा होता है इसका मतलब बोथ साइड इम्प्लाइज। ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट टू, ए इज द सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इक्वल टू, इक्वल टू। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट लेट, हम यहां से शुरुआत करेंगे, लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। भाई अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी। वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। नाउ बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इज इट क्लियर? बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट, देखो बाय डेफिनेशन आपने क्या कहा, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन। टू शो, नाउ व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी, अब अगर बी, देखो ए यूनियन बी का सबसेट है तो आपको क्या शो करना होगा कि ए यूनियन बी जो है वो बी का सबसेट होगा, देन इट विल बी इक्वल। तब आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी जो है वो बी के क्या होगा? इक्वल। राइट, फॉर दिस लेट अस टेक एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एक्स which belongs to A union B, which belongs to A union B, which implies X belongs to A, union का मतलब क्या होगा? और X belongs to B, X belongs to A और X belongs to B, is it clear? ठीक है, now can I say that it implies X belongs to B? Why I am saying this? Because A is the subset of B, A is the subset of B. भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए इज कंटेन इन बी, तो अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा, वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा। तो आप, वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी। व्हाई वी आर सेइंग दिस? बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब क्या हुआ? इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। राइट, देयर फोर वी कैन से दैट ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी। When A is the subset of B, we have show that we have proved that A union B is equal to B. We have shown that A union B is equal to B. Is it clear? ठीक है? Now, we will start from here that A union B is equal to B, and we will show that if this is the case, then A is the subset of B. If this is the case, then A is the subset of B. अब आप क्या लिखोगे? Given गिवन ए यूनियन बी, नाउ व्हाट हैज बीन गिवन दैट ए यूनियन बी, अभी जो आपने शो किया था अब ये हमारा गिवन पार्ट हो जाए।
Now this will be our given part. Now this will be our given part. Is it clear? ठीक है. This will be our given part. तो given part क्या हो जाएगा आपका? A union B is equal to B. A union B is equal to B. Now what we have to show that if this is the case, then A is the subset of B. If this is the case, then A is the subset of B. Let there is an arbitrary constant X which belongs to set A. If this is the case, can I say that X belongs to A union B? X belongs to A union B equal to B. X belongs to A union B equal to B. Which implies what? X belongs to B. अब x a को भी बिलोंग कर रहा है आपका, x जो है आपका a को भी बिलोंग कर रहा है, x आपका b को भी बिलोंग कर रहा है. कैन आई से दैट a इज द सबसेट ऑफ b? पर जो एलिमेंट a में अगर वो b में भी है, वी कैन से दैट a इज द सबसेट ऑफ b. हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस पार्ट, वी हैव प्रूव्ड दिस पार्ट. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द थर्ड पार्ट इज A intersection B is the subset of A. A intersection B is the subset of A. Part third. A intersection B is the subset of A. Let X belongs to A intersection, which implies what? X belongs to A and X belongs to which implies x belongs to A. Intersection का मतलब यही होता है, right? And which implies x belongs to A. Which implies x belongs to A. Therefore, देखो जो element x आपका belong कर रहा था A intersection B को, वही same element आपका A को भी belong कर. इसका मतलब A intersection B is the subset of A. Is the subset of A. Therefore, we can say that A intersection B is the subset of A. Is it clear? ठीक है. Hence, right? Now, next question is question number 7. Question number 7 is given that, देखो bold letter में लिखा हुआ तो जो आपका set है वो है set of natural number from 1 to 100. Then write, first part में क्या कहा गया है? Then write the subset of n whose elements are even number. आपको इस n set का subset बनाना है जिसके element जो वो क्या होने चाहिए? Even number होने चाहिए. Now first of all, here n, here the given set is here given set is a natural number. तो मैं इसको ऐसे बोल्ड लेटर में लिख देता हूं. दिस इज द गिवन सेट, दिस इज द गिवन सेट विच इज इक्वल टू 1, 2, 3 up to 100. दिस इज द गिवन सेट. नाउ इन फर्स्ट पार्ट लेट द सेट बी ए, लेट द सेट बी ए विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is an even number. यही आपको कहा जा रहा है, x is an even number. ये तो हो गई इसकी set builder. अब x की जगह कौन कौन से element यहां से आप ले सकते हो जो even number होंगे? तो can I say that it will be equal to 2, 4, 6, 8, 10 so on up to 98, 100, कुछ इस तरह से हो गए. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. Now part two. Part two is write subset of natural number n whose element are perfect square number. Whose element are perfect square number. Now in part two, let the set be B. Let the set be B. Whose element are y such that y belongs to natural number. और y किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? कि y जो जो एलिमेंट y इस सेट में आएगा वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. y इज अ परफेक्ट स्क्वायर, y इज अ परफेक्ट
स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप ये देखो कि परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं 1 to 100 के बीच में बात करता हूं, तो देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इससे आगे तो जा नहीं सकते। तो ये नंबर होंगे जो आपके ही सेट में आए, दीज आर द नंबर विच विल बी द पार्ट ऑफ दिस सेट। तो कैन आई से दैट बी सेट बी विल बी इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100। 81 and 100, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ एक्स इज इक्वल टू गिवन सेट इज एक्स हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3, इफ एन, देखो आपको सभी पार्ट्स में देखो आपको एन गिवन है, इफ एन रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ एक्स। अब ये जो एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट एक्स का कोई भी एक मेंबर हो सकता है। राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, तो अब इन सभी पार्ट्स को यूज करके देखो, सभी पार्ट्स का यूज करके आपको इसको सेट फॉर्म में लिख विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखो अगर मैं गिवन इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ सेट एक्स विद एलिमेंट 1, 2, 3, विद एलिमेंट 1, 2, 3। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, लेट द सेट बी ए, लेट द सेट बी ए इक्वल टू एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n। भाई एक्स एलिमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4n के इक्वल होगा। वेयर एन बिलोंग्स टू, ये जो एन है ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट एक्स को। वेयर एन बिलोंग्स टू सेट एक्स। नाउ कैन आई से दैट एन की जो वैल्यू होगी यहां पर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यहां पर एन, अगर एन जो है एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो एन जो है वो एलिमेंट होगा जो एक्स में एलिमेंट है। इसका मतलब एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, 2, 3 को। तो हेयर एन इज इक्वल टू, हेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, हेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3। इट मीन सेट ए विल बी इक्वल टू, देखो अगर एन की जगह मैं 1 पुट करता हूं, एन की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा 4, एन की जगह 2 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा 4, 2 जा 8, और एन की जगह अगर आप 3 पुट करते हो यू विल हैव 12। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा, फर्स्ट पार्ट विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन। जो सेट ए होगा हमारा उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 4, 8, 12। लेट्स मूव टू द पार्ट टू, लेट्स मूव टू द पार्ट टू। अब देखो पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है, अगेन लेट बी बी द सेट, लेट बी बी द सेट विद एलिमेंट वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू वॉट, एन प्लस सिक्स। अगेन वेयर एन बिलोंग्स टू वॉट, सेट एक्स। तो इसका मतलब अगेन एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, आपको एन की जगह क्या पुट करना है, आपको एन की जगह 1, 2, 3 पुट करना। अगर मैं एन की जगह 1 पुट करता हूं तो सेट बी विल हैव एलिमेंट 7, एन की जगह 2 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा 9, और एन की जगह नॉट 9 इट विल बी 8। 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, एंड 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। तो कैन आई से दैट हियर द वैल्यू ऑफ सेट बी विल बी इक्वल टू 7, 8, 9, 6 + 1 7, 6 + 2 8, एंड 6 + 3। ये आपका हो गया पार्ट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट, इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज एन बाय टू, एन बाय टू। कैन आई से दैट लेट द सेट बी सी, लेट द सेट बी सी हैविंग एलिमेंट ए सच दैट ए इज इक्वल टू एन बाय टू, वेयर एन बिलोंग्स टू एक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू एक्स। अब देखो अगर आप एन की जगह देखो 1, 2, 3, अब एन की जगह अगर आप 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 रखोगे तो 2/2, एन की जगह 3 पुट करोगे 3/2, सारे एलिमेंट आप एक्स के यहां पे पुट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू वॉट। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू
वन बाय टू कॉमा वन कॉमा, एक मिनट भाई, एक यहां पर 3/2 आएगा बिकॉज ये तो फिक्स है आपका 3/2, तो 1,3/2, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पार्ट फोर इज एन माइनस वन, पार्ट फोर इज एन माइनस वन. लेट द सेट बी डी हैविंग एलिमेंट बी सच दैट बी इज इक्वल टू, थोड़ा सा भाई इसको स्लांट में बनाया जाता है वैसे, सच दैट थोड़ा सा आप ऐसे बनाए ऐसे, सच दैट बी इज इक्वल टू एन माइनस वन वेयर एन बिलोंग्स टू सेट एक्स. अब एन की जगह वन रखो तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा डी सेट का, जीरो. एन की जगह टू रखो तो वन, एन की जगह थ्री रखो तो टू, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज वाई बी द गिवन सेट हैविंग एलिमेंट 1 to 10, 1 to 10 एंड ए रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ वाई. क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, वहां पर आपको कहा जा रहा था एक एलिमेंट एन है जो एक्स सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां आपको कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट ए है जो वाई सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन राइट द फॉलोइंग सेट. अब आपको थ्री पार्ट्स में थ्री सेट्स के बारे में बताना है, लिखना है. ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल एलिमेंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. अब जो एलिमेंट वाई सेट के इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, जो आपको यहाँ गिवन है, वो एलिमेंट इन सेट का पार्ट होंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, पार्ट वन देखो, गिवन सेट क्या है आपका वाई, 1 2 3 up to 10, 1 2 3 up to 10. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो लेट सेट बी ए इक्वल टू, क्या कहा जा रहा है आपको, एलिमेंट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू वाई, बट कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा. मीन्स उस एलिमेंट का जो स्क्वायर है, उस एलिमेंट का जो स्क्वायर है इस सेट ए में, वही एलिमेंट आएंगे जिसका स्क्वायर जो है वो इस सेट में नहीं होना चाहिए. जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, 1, 1 तो है इसमें तो 1 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता. अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, 4, 4 भी आपका इस सेट में है, उसका मतलब 2 भी नहीं आ सकता. अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ दैट इज 9, 9 भी सेट में आएगा, इसका मतलब थ्री एलिमेंट भी सेट का पार्ट नहीं होगा. अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो वो होगा 16, 16 जो है वो इस सेट में नहीं है बिकॉज इसकी जो रेंज है वो 10 तक है. तो 4, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि 4 या 4 से बड़ा. अगर मैं सेट ए की बात करता हूँ, सेट ए की बात करता हूं तो देखो, कैन आई से दैट फॉर ऑल ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ए एलिमेंट जो होगा यहां पर क्या होगा, या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से बड़ा होगा. एंड ए एलिमेंट जो होगा 10 के इक्वल होगा या 10 से छोटा होना चाहिए, और ए स्क्वायर जो है आपका वो वाई को बिलोंग नहीं करना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट सेट ए विल हैव एलिमेंट 4, 4 या 4 से बड़ा, 5 6 7 8 9, 10 या 10 से छोटा, 10, 10 या 10 से छोटा. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट टू. पार्ट टू इज ए प्लस वन इज इक्वल टू 6 एंड ए बिलोंग्स टू वाई, एंड ए बिलोंग्स टू वाई पार्ट टू. तो कैन आई से दैट लेट द सेट बी बी हैविंग एलिमेंट ए, हैविंग एलिमेंट ए सच दैट ए प्लस वन इज इक्वल टू 6 एंड वेयर ए बिलोंग्स टू सेट वाई, ए बिलोंग्स टू सेट वाई.
राइट अब देखो आपको ये कहा जा रहा है, कंडीशन क्या है कि ए प्लस वन इक्वल टू सिक्स। अगर मैं आपको ये कहता हूँ ए प्लस वन सिक्स के इक्वल है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी? फाइव। इसका मतलब ये जो सेट बी है इसमें सिंगल एलिमेंट आएगा भाई, ये जो सेट है इसमें से ए की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी फाइव, बिकॉज एज पर दिस कंडीशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव। तो सेट बी विल हैव एलिमेंट फाइव। ये क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स गो टू द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज ए इज लेस देन सिक्स एंड ए बिलोंग्स टू फाइव। ए इज लेस देन सिक्स एंड ए बिलोंग्स टू फाइव। ओके, तो कैन आई से दैट लेट सी बी द सेट विच इज इक्वल टू एलिमेंट ए सच दैट ए इज लेस देन सिक्स। आपको ये कहा जा रहा है ए की वैल्यू जो है वो सिक्स से छोटी हो, और ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? सेट वाई को। तो सेट वाई में जो भी एलिमेंट सिक्स से छोटे हैं वो आपका सी सेट का पार्ट होंगे, दैट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज इफ ए बी एंड सी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड वेयर सेट ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेट ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेट बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सेट सी। व्हाट अबाउट यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर। यूनिवर्सल सेट बेसिकली, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ ए बी सी सेट। आपको कहा जा रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द रिलेशन ऑफ यू ए बी एंड सी। तो देखो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू हेयर, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू होल नंबर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू होल एंड वैल्यू ऑफ सेट ए इज टू फोर सिक्स एट ट्वेल्व ट्वेंटी, वैल्यू ऑफ सेट बी इज थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन, राइट, एंड वैल्यू ऑफ सेट सी इज फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन। तो अगर आप कॉमन एलिमेंट देखते हो ए और बी में, कॉमन एलिमेंट आर ए और बी, कैन आई से दैट सिक्स एंड ट्वेल्व। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सिक्स एंड ट्वेल्व, सिक्स एंड देन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन सी आई थिंक ओनली ट्वेंटी, ओनली ट्वेंटी। तो इट इज इक्वल टू ट्वेंटी, इट इज इक्वल टू ट्वेंटी। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? बी और सी, बी और सी, कैन आई से दैट फिफ्टीन। बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? फिफ्टीन, दैट इज फिफ्टीन। एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर आप ए बी और सी में कॉमन देखो तो कुछ भी नहीं है, दैट इज इट इज इक्वल टू फाइव, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी विल ड्रॉ द वेन डायग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नाउ वी विल मेक ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो वो आपको कुछ इस तरह से बनाना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू द होल नंबर, यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू द होल नंबर, विच इज इक्वल टू द होल, लेट दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। अब आप ये देखो ए और बी, ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है? सिक्स और ट्वेल्व। तो ए और बी सेट का जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें आप लिखो सिक्स और ट्वेल्व, उसमें क्या आएगा? सिक्स और आएगा ट्वेल्व।
सिक्स और ट्वेल्व आएगा। ये बात समझ में आ रही है, इसमें क्या आएगा, सिक्स और ट्वेल्व, सिक्स एंड ट्वेल्व, ये आ गया ए और बी का कॉमन पार्ट, ठीक है, ए और बी, सिक्स और ट्वेल्व, ठीक है। फिर आप देखो ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में दैट इज 20, तो ए देखो आपका ब्लू कलर में है और सी जो है आपका रेड कलर में है, तो मैंने यहां लिखा 20, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 20, ठीक है, मीन्स ब्लू और रेड सर्कल में आप कहीं पे 20 लिख सकते, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी, बी और सी में कॉमन है 15, बी और सी में कॉमन क्या है 15, तो बी जो आपका ग्रीन सर्कल में है और आपका सी जो रेड सर्कल में, तो रेड और ग्रीन के बीच में आपको लिखना है 15, तो ये आपका आ गया 15। और देखो अगर मैं तीनों के इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो फाइव है आपका, तो यहां तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका फाइव है, राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखो सेट ए में, सेट ए में जो एलिमेंट थे आपके वो कौन कौन से थे, देखो सेट ए में ये वाला एलिमेंट आपका यूज हो चुका है, जहां मैंने शेड करेगा वो एलिमेंट आप ऑलरेडी लिख चुके, लाइक सिक्स 12 और 20, अब आपको लिखना है 248, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, 248 किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो आपका यहां आ जाएगा 2, फिर 4 और 8, 248 सेट ए में आप लिखो। इसी तरह से आप यहां देखो जो सेट बी है उसमें 3 और 9 एलिमेंट किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो आप लिखोगे 3 और। इसी तरह से आप सेट सी में देखो, सेट सी में 5 और 10 किसी के साथ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 5 और 10, तो आप लिखोगे 5, 5 और 10, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेन डायग्राम, दिस इज द रिक्वायर्ड वेन डायग्राम, इज इट क्लियर, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट यू बी द सेट ऑफ, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। अब आपको क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्सल सेट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू बी द यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल, मीन्स यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू जी यूनियन बी, कैन आई से दैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू जी यूनियन बी, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज जी विद द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन अ स्कूल, अब जी जो सेट है आपका इट इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन अ स्कूल, एंड बी विद द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन द स्कूल, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स एज फार एज जी इंटरसेक्शन बी इज कंसर्न इट इज इक्वल टू फाइव, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, राइट। देन एस विद द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल हु टेक्स स्विमिंग, एस देर इज अ सेट एस, अनदर सेट एस, और सेट एस क्या है, जितने भी स्टूडेंट जो है स्कूल में स्विमिंग करते हैं, स्कूल में स्विमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन स्टूडेंट का जो सेट है वो एस है, सम बट नॉट ऑल, सभी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट करते हैं, राइट, सम बट नॉट, अब इसमें ये नहीं बताया गया कि गर्ल्स करती है बॉयज करते हैं, इसका मतलब कुछ लड़के करते हैं कुछ लड़कियां करते हैं, कुछ बॉयज करते हैं कुछ गर्ल्स करते हैं, राइट। ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग वन ऑफ द पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप अमंग यू जी बी एंड सी, अब आपको वेन डायग्राम बनाना है, देखो यहाँ पर जो वेन डायग्राम जैसे आप नॉर्मली बनाते हो वैसा नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जी और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ आपका इस तरह से बनेगा, यहाँ पर जो वेन डायग्राम होगा वो आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, यू बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, जी और बी का यूनियन, तो एक साइड हम गर्ल्स ले लेते हैं, एक साइड आपका बॉयज का सेट आ गया, और ये जो सर्कल वाला सेट है ये आपका हो गया स्टूडेंट टेक स्विमिंग, स्टूडेंट टेक स्विमिंग, बस इसी तरह से आपको इसको दिखाना है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया सेट जी, ये वाला पोर्शन हो गया सेट बी, सेट एस जो आपने इस तरह से बनाना है, कुछ इसमें गर्ल्स भी हैं कुछ इसमें बॉयज भी हैं जो स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो सेट एस का आपका कुछ पोर्शन आपका गर्ल्स वाली साइड में जाएगा, कुछ पोर्शन आपका बॉयज वाली साइड में जाएगा, इज इट क्लियर, दिस इज द रिक्वायर्ड वेन डायग्राम, दिस इज द रिक्वायर्ड वेन डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस. बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.